बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फहीम भट्टी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फहीम भट्टी मोबाइल एक्सपर्ट। प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी हटकर है, क्योंकि हम डेली बेसिक पर जो है ये वीडियो बना रहे थे कि कौन कौन से मोबाइल के प्राइस जो हैं कम हुए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए, जिन लोगों को हमेशा वेट रहता है, जिनको इंतज़ार रहता है कि यार मार्केट के अंदर जो उनकी पसंद के मोबाइल्स हैं वो कब मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले मंथ के अंदर, यानी कि अक्टूबर के अंदर, आपको कौन कौन से मोबाइल जो है मार्केट के अंदर नज़र आएंगे। तो हर वो मोबाइल जिस पर आपकी नज़र है तकरीबन जो है अक्टूबर के फर्स्ट में, मिड में और एंड के अंदर आपको आते हुए नजर आएंगे। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हमने यही डिस्कस करना है कि कौन कौन से मोबाइल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। तो यकीनन वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर वीडियो आपने एंड तक वॉच जरूर करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। टाइम को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर के महीने में कौन सा मोबाइल आ रहा है। तो भाई अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं मेरे व्यूवर्स की जानिब से कि सर इन्फिनिक्स का नोट 30 VIP कब लॉन्च हो रहा है। तो फाइनली अक्टूबर के अंदर जो है ये मोबाइल लॉन्च कर दिया जाएगा, इन्फिनिक्स नोट 30 VIP। इस मोबाइल के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है डायनामेंसिटी 8050 5G। और इसके अलावा इसकी मज़ीद अगर हम फीचर्स को हाईलाइट करें तो इस मोबाइल के अंदर आपको 12 GB रैम और 256 मेमोरी देखने को मिलती है। इस मोबाइल के अंदर आपको 120 GHz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और एक बहुत बेहतरीन कैमरा 108 MP का देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के अंदर आपको बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर 5000 mAh की बिग बैटरी, उसके साथ साथ 68 W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी डिवाइस होने वाली, और उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर जो है ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके प्राइस जो होंगे तकरीबन 90,000 से 1,00,000 के दरमियान होंगे। अगर डॉलर की अगर हम वैल्यू देखें कि 290 और मार्केट के अंदर 100 तक का भी सेल हो रहा, तो इस हवाले से तो इसको मद्देनजर रखते हुए इस मोबाइल के प्राइस आपको 90 से 1,00,000 रुपए तक देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मोबाइल है, बहुत से लोगों को जो है इस मोबाइल का इंतज़ार था, तो उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की जो कि है इन्फिनिक्स 030। ये मोबाइल भी जो है आपको अपर लेवल की डिवाइस की तरह ही देखने को मिलता है। इस मोबाइल की अगर मैं फीचर्स को हाईलाइट करूँ तो इस मोबाइल के अंदर आपको 12 GB रैम के साथ साथ 256 मेमोरी ही देखने को मिलती है। और इस मोबाइल के अंदर अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो 8020 का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। और इस मोबाइल की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो एमोलेड डिस्प्ले 144 GHz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा। अगर हम कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इस मोबाइल के अंदर आपको 108 MP और सेल्फी कैमरा 50 MP का एक बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा देखने को मिलने वाला है। और इसके अलावा इस मोबाइल के अंदर आपको 5000 mAh की बिग बैटरी, 68 W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। और ये मोबाइल भी आपको अक्टूबर के महीने के अंदर देखने को मिलेगा। मजीद अब हम बात करते हैं टेक्नो के मोबाइल की कि टेक्नो के कौन से मोबाइल जो है मार्केट के अंदर आने वाले हैं। तो फाइनली जो है पोवा की सीरीज जो है पाकिस्तान के अंदर मजीद लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर पोवा 5 जो है मार्केट के अंदर नजर आएंगे। इस मोबाइल की अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस मोबाइल के अंदर आपको उम्मीद यही है कि ये मोबाइल जो है अक्टूबर के महीने में लॉन्च कर दिए जाएं, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेट हो और जो है नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है आपको देखने को मिले। ये क्योंकि पोवा की सीरीज़ का जो है अक्सर उन लोगों को इंतज़ार होता है जो गेमिंग के शौकीन होते हैं। यकीनन जो है ये फुल गेमिंग डिवाइस खिलाई जाती है टेक्नो की जानब से। तो यकीनन उम्मीद है कि अक्टूबर के मिड के या मिड या एंड के अंदर आपको ये मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। मजीद नेक्स्ट मोबाइल की अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग की जानब से भी एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस जो है मार्केट के अंदर आने वाली है, सैमसंग S23 FE। डिवाइस भी आपको जो है पाकिस्तान के अंदर अक्टूबर के एंड के अंदर ही नजर आएगी। इस मोबाइल के अंदर एक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं उनके अंदर जो है इसका बेहतरीन कैमरा 108, इसके अलावा जो है 144 GHz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा लुक वाइज जो है मोबाइल आपको ये देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के प्राइस जो है तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान ही होंगे, क्योंकि सैमसंग की इस रेंज के अंदर जो है कोई डिवाइस इस वक्त जो है लॉन्च नहीं की गई है। तो इसके प्राइस जो है यही सोचे जा रहे हैं कि यार 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान ये मोबाइल जो है लॉन्च किया जाएगा। मजीद जो है इसके ऊपर बात करेंगे जब ये लॉन्च हो जाएगा और इसके प्राइस क्या होते हैं वो फिर देखने पड़ेंगे। तो बात करते हैं वीडियो के नेक्स्ट मोबाइल की जो के है, तो फाइनली शाओमी की जानिब से 13T की सीरीज जो है लॉन्च हो जाएगी अक्टूबर में। ये बहुत से लोगों को इंतजार था इन मोबाइल का कि यार ये 13T की सीरीज जो है कब लॉन्च की जाएगी। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर ही इंशाल्लाह ये मोबाइल पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिए जाएंगे, क्योंकि शाओमी सीरीज थी 10 की और 11 की वो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर सेल हुए थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए शाओमी की 13T की सीरीज भी जो है अक्टूबर के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी, और वो जो है बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए।
इस मोबाइल के अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, Xiaomi 13T और 13T Pro। इस मोबाइल की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 1.5 लाख के अंदर अंदर ये मोबाइल जो है आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। मजीद नेक्स्ट मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो वो है, हमें ये आ रहा है कि Redmi 10C जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। इसकी प्राइस जो है 30 से 35 तक की रेंज के अंदर होगा। ये एक अच्छी डिवाइस होगी 30 से 35 तक की रेंज में, जो कि आपको वही 90 GHz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगा और अच्छा डिस्प्ले HD फुल HD रेजोल्यूशन के साथ जो है देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट मोबाइल की अगर मैं बात करूं तो वो है, तो Realme मार्केट के अंदर क्या फेंक रहा है। Realme की जानिब से भी मोबाइल जो है मार्केट के अंदर अक्टूबर के महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा Realme C55। ये मोबाइल आपको 6.7 इंच डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगा। इस मोबाइल के अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो होगा MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ। ये मोबाइल मार्केट के अंदर से आपको मिलेगा और एक अच्छी गेमिंग डिवाइस कहलाई जाती है। इसके अलावा भी जो है Realme का जो दूसरा मोबाइल है C53, Realme का C53 एक और मोबाइल है, वो भी अक्टूबर के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आपने देखा था कि Realme की नार्जो की सीरीज बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर सेल हुई थी, तो फाइनली जो है अक्टूबर के अंदर नार्जो 60 पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन से मोबाइल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेंगे। बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं कि यार नए मोबाइल कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। तो यकीनन आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इन मोबाइल के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो वो कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।